बहराइच में 24 घंटे के भीतर छठे भेड़िए का तीसरा हमला। खैरी घाट इलाके में 50 साल की महिला को जख्मी कर दिया। कल सुबह दो बच्चियों पर हमला किया था। वहीं अगली खबर, लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। शाम 4 बजे मीटिंग होगी। वहीं पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत की चेतावनी। यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट है। अगले 2 दिन तक भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया है। बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब 70 साल तक के सभी बुजुर्गों को इसका फायदा होगा। लगभग 6 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। वहीं कर्नाटक की बात करें तो वहां मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा हुई। मैसूर रोड पर पथराव से हालात बिगड़े। उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव भी किया गया। अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। नामांकन का आखिरी दिन आज है और एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़िए का आतंक। ये बड़ी जानकारी, आज फिर एक महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया है। परिजनों का शोर सुनकर भेड़िया भागा। भेड़िए के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बहराइच मेडिकल कॉलेज का, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। बता दें आपको कि बहराइच में भेड़ियों का आतंक नहीं थम रहा है और भेड़िए ने फिर एक 50 साल की महिला पर हमला किया। महिला बुरी तरह से जख्मी हुई, लेकिन परिजनों के आने पर भेड़िया भाग गया। वहीं महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज चल रहा है। बहराइच मेडिकल कॉलेज, जहां पर महिला को भर्ती कराया गया है और इलाज जारी है। तो 50 साल की महिला जिस पर भेड़िए ने हमला किया, लेकिन जैसे ही महिला ने शोर मचाया तो परिजन वहां दौड़कर पहुंचे। इतने में भेड़िया भाग गया। तो अब महिला को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, इलाज जारी है। अब तक आपको ये भी जानकारी दे दी कि 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। छठा भेड़िया जिसकी तलाश जारी है। उम्मीद जताई जा रही थी कि अब भेड़िए के जो हमले हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन वहीं अब देखा जा रहा है कि भेड़िए के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर अंदर 3 हमले भेड़िए ने कर दिए हैं। तो छठा भेड़िया जिसे पकड़ना अब टारगेट बना हुआ है वन विभाग का। तो किसने देखा काटते हुए? उनकी बहू ने। कहाँ लेटी थी ये? बरामदे में लेटी थी। तुमको सूचना कैसे मिली? तुमको सूचना फोन द्वारा मिली। क्या बताया गया तुमको? तो जब इनको काट लिया तब फोन गया हमारे पास। क्या बताया? कि भेड़िया काट ली। किस गांव का मामला ये? तो देखिए तस्वीरें, ये घायल महिला जिन पर भेड़िए ने हमला किया, 50 साल की उम्र महिला की, अपने आंगन में ये लेटी हुई थी खाट पर, तभी अचानक से भेड़िया दबे पांव आता है और महिला पर हमला कर देता है। महिला के शोर मचाने पर तमाम परिजन वहां पर पहुंचते हैं और महिला की जान तो बच जाती है, लेकिन महिला इस हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गई है। वहीं ये छठा भेड़िया जिसके आतंक से अब लोग और भी ज्यादा डर गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रामक फिलहाल शायद ये भेड़िया हो गया है, क्योंकि 2 दिन के अंदर अंदर 3 लोगों पर हमला कर दिया है। हालांकि जैसे ही 5वां भेड़िया पकड़ा गया था तो उम्मीद थी कि अब एक अकेला भेड़िया बचा है तो शायद हो सकता है कि भेड़िए के जो हमले हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन इसके उलट जो हमले हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। शुभम पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। शुभम, अब देखिए यहाँ पर एक 50 साल की महिला जिसके ऊपर भेड़िए ने हमला कर दिया है, 2 दिन के अंदर अंदर ये 3 हमले हो गए हैं लोगों के ऊपर। उम्मीद ये थी कि 5वां भेड़िया पकड़ा जाएगा तो अब हमले कम हो जाएंगे, लेकिन उसके उलट देखा जा रहा है कि ये जो हमले हैं और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि एक बात तो साफ है कि भेड़िया और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए कि परसों 5वां भेड़िया पकड़ा गया, उसके बाद आप समझिए कि आज दूसरा दिन है जब भेड़िए ने दूसरे दिन भी लगातार ये हमला किया है। ऐसे में तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग भी अपने ऑपरेशन को तेज कर चुका है। आप देख सकते हैं कि सामने ये ड्रोन के साथ ये जो तमाम कर्मचारी अलग अलग जगहों पर अपना सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द ये छठा जो भेड़िया है वो भी पकड़ा जाए। अभी अभी थोड़ी देर पहले लोकेशन मिली है जहाँ पर ये वन विभाग की टीमें पहुँची हुई और अब दूसरी जगह पर जा रही हैं। तो फिलहाल इस वक्त प्रयास है वन विभाग का भी जल्द से जल्द इस छठे भेड़ियों को पकड़ा जाए, क्योंकि हमले 2 दिन लगातार हुए हैं। राहत की बात सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से अब तक गंभीर रूप से जो लोग घायल नहीं हुए, ना ही किसी की जान गई है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में
ऑपरेशन फिलहाल तेजी के साथ आज सुबह भी करीब ये 6 बजे के आसपास शुरू हुआ अलग अलग जगहों पर, और ऐसे में लगातार जो लोकेशन ट्रेस हो रही उन तमाम लोकेशनों पर जाकर के वन विभाग इस ऑपरेशन को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तमाम प्रयास अभी फिलहाल सिर्फ प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं, सफलता हाथ नहीं लग रही, क्योंकि जो है जो भेड़िया है वो अलग अलग बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। कल देर रात भी जो हमला हुआ है वो आप समझिए कि लगभग 10-11 बजे के आसपास एक घर में हमला हुआ है, जहाँ पर 50 वर्ष की एक महिला के ऊपर भेड़िए ने हमला किया है। तो फिलहाल प्रयास जारी, उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये भेड़िए भी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही शुभम, जो महिला पर हमला किया है वो कितने बजे की बात होगी, रात को कितने बजे महिला पर हमला किया गया है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि महिला उस वक्त आंगन में सोई हुई थी, क्या घर पर दरवाजा नहीं था, ये कौन सा इलाका है बहराइच का जहाँ पर हमला हुआ? जी, आप एक चीज़ इसमें प्रमुख तौर पर ये भी समझिए कि लगभग 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं, वन विभाग हर गली में अब तक पहुंच चुका है अपनी गाड़ियों के साथ, वहां पर लोगों को आगाह कर रहा है कि लोग खुले में ना लेटें, जो खुले में लेट रहे हैं उनको किसी भी तरह उस जगह पर पहुंचाया जाए जिससे कि वो बंद दरवाजे के भीतर लेटें। लेकिन उसके बाद भी जब ये घटनाएँ सामने आ रही हैं तो आप समझिए कि इसमें हर घटना, जितनी भी घटना हुई है, लगभग सभी घटनाओं में दरवाजे ना होने की बात अब तक निकल करके प्रमुख तौर पर सामने आई है। और कल जो घटना हुई है रात में करीब 10 बजे के आसपास की घटना है, उस दौरान भी जब महिलाएं बताया जा रहा है कि अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी, घर के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए थे, दरवाजा नहीं था, जिसकी वजह से भेड़िया अंदर गया और उसने सीधा महिला के गर्दन पे वार किया। देखते ही देखते फिलहाल राहत की बात ये रही कि महिला पे जब वार हुआ तो महिला ने थोड़ा चिल्लाना शुरू किया, जिसकी वजह से जो आसपास लोग मौजूद थे वो वहाँ पहुँचे, और देखते ही देखते जो है जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो भेड़िए ने तुरंत वहाँ से भागना ही उचित समझा, जिसकी वजह से फिलहाल महिला ज़रूर बच गई, गंभीर रूप से घायल जरूर है, प्राथमिक जो उपचार है वो दिया जा रहा है, खतरे से बाहर है, और इसके बाद वन विभाग ने अपना ऑपरेशन वो तेज़ी के साथ अलग अलग लोकेशनों पर चला रहा है। करीब 55 दिन हो चुके हैं इस ऑपरेशन को चलते हुए, और देखा जा रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती है वन विभाग के सामने, क्योंकि चौथे भेड़िए के बाद जब अब पांचवा भेड़िया पकड़ा गया है तो ही इसमें इतने दिन लग गए हैं, अब छठे भेड़िए को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये भेड़िया शायद लंगड़ा है, उम्मीद थी कि अब इस भेड़िए को पकड़ने में शायद उतनी ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी जितनी और भेड़ियों को पकड़ने में की गई है, अब क्योंकि भेड़िए भी ये समझ चुके हैं कि उन्हें पकड़े जाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, और जब ये भेड़िया अपने झुंड से अलग हो गया है तो ऐसे में अब वन विभाग का जो एक्शन ऑफ प्लान है वो क्या हो सकता है शुभम, किस तरीके से आखिर अब इस भेड़ियों को पकड़ने की तैयारी वन विभाग कर रहा है? देखिए, प्लानिंग को लेकर के देखिए सिर्फ अभी जो बड़े स्तर पर यही है कि जहां से भी इनपुट मिल रहा है वन विभाग की टीम उन तमाम लोकेशन पर पहुंच रही है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी करी जा रही है कि जब भी जहां भी लोकेशन मिले उस लोकेशन पर भेड़ियों को पकड़ा जाए, पकड़ने का प्रयास है। बात की जाए अगर इसे लेकर के कि अब तक क्या जो तमाम स्थितियाँ रहीं तो लगभग समझिए कि 2 महीने से ऊपर हो चुका है, प्रयास तो चल ही रहा है छठे भेड़ियों को लेकर के, और छठा भेड़िया जिसे लंगड़ा बताया जा रहा है ऐसा फिलहाल अभी तक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अलग अलग जो ड्रोन के माध्यम उनके उन पर हम भी देख रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान की जो है कहीं पर भी ये भेड़िया लंगड़ा नजर नहीं आ रहा, वो तेजी के साथ दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप समझिए कि 15 मिनट में उसने 3 से 4 किलोमीटर की दूरी अभी सुबह तय करी है, हम ऑपरेशन के दौरान साथ में मौजूद थे, और ऐसा संभव नहीं हो सकता कि कोई लंगड़ा भेड़िया इतनी तेज गति से दूरी तय कर सके। चलिए ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।